आज की ये तीन कहानियां बहुत ही ज्यादा चर्चित है। ये जो कहानियां ना बेहद घातक है, ये आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपकी रूह को कपा के रख देंगी। ये कहानियां सुनकर ना बहुत सारे लोग इन भूतों को देखने के लिए जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भूत आज भी वहाँ पर जिंदा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये जापान का किस्सा है। यहाँ पर ना एक 14-15 साल की लड़की रहती थी। ये जो लड़की थी ना, स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा शर्मीली थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, देखने में बेहद खूबसूरत थी। एक बार ना रात का वक्त होता है, ये लड़की आ रही होती है तो इसके पीछे ना 3-4 मुस्टंडे लग जाते हैं। वो जो मुस्टंडे होते हैं ना, इसको धक्का मारते हैं और इस लड़की का जो पैर था ना, रेलवे ट्रैक में फंस जाता है। उतने में ट्रेन आती है और वो ट्रेन ना इस लड़की को दो भाग करते हुए, मतलब चीरते हुए निकल जाती है। जैसे इस लड़की के दो टुकड़े हुए ना, तो ये लड़की जोर जोर से चीखें मारने लग गई है। बोलती है कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ, लेकिन इस लड़की को कोई बचाने नहीं आता है। फाइनली ये लड़की मर जाती है। अब लोगों का मानना ये है कि इस लड़की की जो आत्मा है ना, रेलवे स्टेशन पर घूमती है। रात के वक्त ये जो लड़की है ना, पेट के बल रेंगते हुए लोगों के पास आती है और लोगों को बोलती है, मेरे पैर कहाँ है, मेरे पैर कहाँ है। जब लोग इसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करते हैं ना, तो ये लोगों के भी पैर काट डालती है और पेट के बल रेंगते हुए ना टकाटक करते हुए वहां से चली जाती है। लोग इस औरत को ना टकाटक वाली भूतनी बोलते हैं, क्योंकि जब ये चलती है ना तो टकाटक की आवाज आती है, जिसकी वजह से इस औरत की वजह से ना लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भय छा गया। दोस्तों, ये जो किस्सा है ये बेंगलोर का किस्सा है। यहाँ पर ना एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। हस्बैंड का नाम सूरज है और वाइफ का नाम प्रिया है। इन दोनों की नई नई शादी हुई है। करवा चौथ का दिन होता है, तो एक दिन सूरज उठता है, तो प्रिया जो होती है ना, जैसे ही सूरज उठा ना, उसको बोलती है कि आज आप ऐसा करना, ब्लू कलर का शर्ट पहन लेना। तो ये बोलता है ठीक है। अब सूरज नहाकर आता है, ब्लू कलर का शर्ट पहनता है। जैसे ही सूरज मिरर के सामने खड़ा हुआ ना, तो वो देखता है कि उसके शर्ट पर खून के धब्बे हैं। ये देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ये फटाफट प्रिया के पास जाता है। प्रिया किचन में काम कर रही होती है और प्रिया को बोलता है कि देख, मेरी शर्ट पर कितने सारे खून के धब्बे हैं। तूने ये शर्ट दी थी ना, इसके ऊपर कितने सारे धब्बे हैं। तूने ये शर्ट मुझे क्यों दी? तो प्रिया इसको बोलती है, मैंने आपको कोई शर्ट नहीं दी है, मुझे नहीं पता। तो सूरज को ना प्रिया की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। ये बोलता है ठीक है, मेरा बहम होगा, मुझे ऐसा लगा होगा कि इसने मुझे शर्ट दी है, मैंने ही निकाली होगी। ये रूम में जाता है, फिर से सो जाता है। पूरा दिन ये सोया रहता है। रात का वक्त होता है, चांद आता है, तो सूरज उठता है। जैसे ही अभी इसकी जो वाइफ होती है ना, छन्नी में इसका मुँह दिख रही होती है, तो सूरज अपनी वाइफ का मुँह देख कर ना एकदम डर जाता है, चौंक जाता है, चिल्लाता है जोर से, क्योंकि उसकी वाइफ का जो मुंह था ना, बहुत ही ज्यादा खूंखार डरावना था। उसके लंबे लंबे दांत थे, मोटी मोटी आंखें थी, लाल लाल आंखें थी, बड़ी बड़ी आंखें थी। और इसकी वाइफ ने जो मेकअप किया था ना, जब उसने छन्नी में देखा तो कोई मेकअप नहीं था, पूरी आंखें खड्डे में थी, लाल लाल आंखें थी, और उसके जो पूरे बाल थे ना, बिखरे हुए थे। सूरज ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब ये जो भूतनी है ना, कंटिन्यू इसको दिखाई देती है। जब भी ये सोने जाता है तब भूतनी इसको दिखाई देती है, कुछ खाने जाता है भूतनी दिखाई देती है, नहाने जाता है तब भी भूतनी दिखाई देती है। 24 घंटे इसको ये भूतनी दिखाई देती है। फाइनली सूरज क्या करता है, एक दिन अपने आप को खत्म कर लेता है। दोस्तों, ये जो भूतनी थी ना, सूरज की पहली वाइफ थी। एक बार क्या हुआ, सूरज ना एक रात को बहुत ज्यादा दारू पीकर आया और उसने ना नशे की हालत में अपनी बीवी को मार डाला। ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। अब जो उसकी बीवी थी ना, वापस फिर से आई अपना बदला लेने के लिए, और जब तक सूरज को उसने खत्म ने किया, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी।
दोस्तों ये जो किस्सा मैं आपको बता रही हूँ ये अमेरिका का किस्सा है। यहाँ पर ना एक हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा रहता था जिसकी उम्र 10 साल की थी। कुछ दिन से ना हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। एक दिन जो हस्बैंड होता है ना गुस्से में क्या करता है, अपनी वाइफ को मार डालता है और घर में ही खड्डा खोद कर ना उसको वहाँ पर दफना देता है। दफनाने के बाद ना उसको इस बात की बड़ी टेंशन होती है कि मेरा बेटा जब स्कूल से घर वापस आएगा अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो मैं उसको क्या रिप्लाई करूँगा, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। बेटा स्कूल से आता है, अब घर में आता है और ना आराम से खाना खाता है, रात के भी वक्त आराम से खाना खाता है और सोने चला जाता है, अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं पूछता है। दूसरा दिन होता है फिर से वो वैसे ही करता है, आराम से आता है खाना खाता है और अपना सोने चला जाता है, डिनर करता है लंच करता है लेकिन अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं पूछता है। बाप को बड़ा अजीब लगता है कि अपनी माँ के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा है। अब तीसरा दिन आता है, बेटा क्या होता है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, बाप बाजू में बैठा होता है तो बेटा बड़े अजीब तरीके से अपने पापा को देखता है। तो अब इस लड़के का पापा पूछता है कि बेटा तू मेरे को इतने अजीब तरीके से क्यों देखता है, तो लड़का बोलता है पापा इतने दिन से मम्मी आपके कंधे पे चढ़ के क्या कर रही है, आपके कंधे नहीं दुख रहे हैं। ये बात सुनकर ना बाप एकदम डर जाता है, घबरा जाता है, उसके पैरों के तले तो मानो जमीन निकल जाती है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये कहानियां सुनी होंगी लेकिन अब मैं जो आपको कहानियाँ आपके बीच में लाने वाली हूँ ना ये आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, क्योंकि ये अनकही अनसुनी कहानियाँ हैं जिसकी वजह से आपके पैरों के तले भी ज़मीन निकल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।